धनबाद एनएचएम के एएनएम जेएनएम कर्मियों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और उनकी मांग थी जो 15% उन लोगों को जो उनकी बकाया राशि थी उनमें से मिलना था, जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार कई विधायकों से उन्होंने मुलाकात की, डुल्लू महतो से उन्होंने मुलाकात की है, बीजेपी विधायक, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो कि लगातार इसको लेकर के बैठक कर रहे थे और बातों को भी रख रहे थे। और अब बीच के दिनों में 2400 जिलों में इस चीज़ को लागू भी किया गया था, लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये पूरा फायदा जो है वो मिलना रुक गया था। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर के एएनएम जेएनएम के कर्मियों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की और चंपई सोरेन ने साफ तौर पर उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनकी मांग पूरी होगी। आज हम लोग रांची आए हुए हैं और श्री मुख्यमंत्री के पास हम लोग आवेदन दिए। आवेदन में यही है कि सातवें वेतन के विरोध हम लोग जो 15% तक जो लाभ मिला था सभी कर्मचारी आंदोलन के दौरान में मिला था, जो बैठक हुई थी, बैठक में 15% का जो पारित किया गया था उसको सभी 24 जिला में बारी बारी से भुगतान हो गया था, जिसमें एक रिव्यू मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी के द्वारा उसको मौखिक रूप से रोक दिया गया था। उस आवेदन को लेकर हम लोग आए हैं श्री मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने कहा यह बहुत निंदनीय है, इस तरह से नहीं होना चाहिए और सभी कर्मचारी को जो 15% मिला था बहुत जल्द उनका प्रयास है कि इस संबंध में इस स्वास्थ्य मंत्री से बात भी करेंगे और चीज़ों को अवगत कराते हुए 15% एक हफ्ता के अंदर उसको पहल करने के लिए जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री से जल्द हमारे एनएचएम के सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द 15% का भुगतान का आदेश लेटर जल्द से जल्द निकालें और कर्मचारी हित में हमेशा देखें, क्योंकि कर्मचारी हमेशा से संघर्ष करते आ रहा है। 41 दिन का हड़ताल करके 15% को जो वार्ता के दौरान मिला था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता में हुई थी और एक एसीएस का एक निर्देश पर सिग्नेचर करके लेटर निकाला गया था, उस लेटर के बिहाफ में सभी ब्लॉक में डैम साहब लेटर निकाले और जिसमें सीएस का भी आदेश था, डीपीएम का भी आदेश था, बीपीएम का भी आदेश था, सबका आदेश, सबको भुगतान हो गया था बारी बारी से। लेकिन बहुत खेद की बात है कि इसको बहुत जिला में रोक दिया गया और कर्मचारी में जिस तरह नाराजगी दिख रहा है, बहुत आक्रोश है कर्मचारी, और इस कर्मचारी को सभी को लाभ मिलना चाहिए था, इसलिए सभी जिला से बारी बारी से आज इसको पहल करने के लिए आए और हमारे सभी मुद्दों को ध्यान से सुने श्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री से हम बहुत आशा करते हैं कि हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप लोगों ने कर्मी को सुना था, उन जिसने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा है कि हम आपके लिए काम करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, इसको लेकर के सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बात इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया रांची।